ओके, गुड इवनिंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो। आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो गए 11th क्लास के, और अभी अभी आपने अकाउंट्स को पढ़ना सीखा है। और हमने पिछली क्लास में अकाउंटिंग रिविजन की पहली क्लास की थी। मैं आप बच्चों से फिर कहता हूं, जब आप नोट्स प्रिपेयर करते हो तो वो सारी बातें लिखा करो जो मैंने आपको नोट्स में समझाई है। बहुत सारी बातें मैं आपको वर्बली बोलता हूं, जो यहां नहीं लिखता वो आपको लिखनी है। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि कैसे हर ट्रांजैक्शन का बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ा, मैंने आपको एक वर्बल एग्जांपल लेके तृप्ता का दिखाया था। क्योंकि इसी इफेक्ट को हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में अब दिखाना है, और यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, या हम कह देते हैं असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी के अंदर दोनों आ जाती है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी को हम कैपिटल बोल देते हैं, और फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी तो है ही है, लायबिलिटीज जिसमें क्रेडिटर्स आ गए, बैंक लोन वगैरह आ गया, है ना। ये सारी बातें आपको लिखनी होती हैं, यू हैव टू राइट देम। और फिर मैं आपको आज अलग अलग बार बार छोटी छोटी बैलेंस शीट बना के समझाता हूं कि देखो ये एक ट्रांजेक्शन है जो मैंने सामने लिखी है, ये कुछ ट्रांजेक्शन है जो मैंने सामने लिखी है। और पहले मैं ट्रांजेक्शन पढ़ू, ट्रांजेक्शन मालूम ना क्या होती है आपको? आपने पढ़ा था ना मेरी पहली क्लास में ट्रांजेक्शन क्या होती है, है ना, जहां दो पार्टीज इन्वॉल्व हो और इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है जिसे हम रिकॉर्ड कर सके बिजनेस के अंदर, वो ट्रांजेक्शन। ये देखो सबसे पहला क्या है, एग्जाम्पल है इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली है क्या? बैलेंस शीट ही तो है। तो मैं छोटी छोटी बैलेंस शीट बनाता हूं, ये देखो मैं छोटी छोटी कई सारी बैलेंस शीट बनाऊंगा, बाद में एक कंसोलिडेट बना दूंगा एक और, ताकि आपको समझ में आ जाए कितने ट्रांजेक्शन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाओ। तो मैं आपके लिए 6 बैलेंस शीट बनाता हूँ, मैंने ऐसे ही आपको कहा था करने के लिए, लेकिन आप ऐसे सिर्फ एक या दो बच्चों ने ऐसे किया, बाकी बच्चों ने अभी तक किया ही नहीं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गई छठी बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट है एज एट 31st मार्च 2020, एज्यूम कर रहे हैं। ये भी बैलेंस शीट है एज एट 31st मार्च 2020। अब मैं बाकी में नहीं लिखूंगा, आप मान लेना कि सब भी यही है। सर ये बी ऑब्लिक एस का मतलब क्या है बेटे? बैलेंस शीट, बैलेंस जो अपने आप से बैलेंस हो जाए, बैलेंस शीट एज एट, और ये है बैलेंस शीट एज एट। ये इसकी असेट साइड है, और ये इसकी लायबिलिटी साइड है। याद डाल लेते हैं, ये अमाउंट आ जाएगा ना यहां पर, ये इसकी असेट साइड है और ये इसकी लायबिलिटी साइड है। लो बाद में कर लेंगे। चलो ये मैंने बैलेंस शीट बना दी, जितने ट्रांजेक्शन है मैंने उतनी बैलेंस शीट बनाई। हमें क्यों जरूरत पड़ी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने की, मैं आपको भी समझाता हूं और कैसे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो आप जल्दी से फटाफट, सबसे पहले ट्रांजेक्शन पढ़ो क्या है। सर आपने बहुत छोटा छोटा लिखा है, सर हमसे कहां पढ़ा जाता है? अरे पढ़ सकते हो भाई, पढ़ो ना यार। क्या लिखा है? कोमल स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? सर पैसा चाहिए। कोमल ने बिजनेस स्टार्ट किया विद ₹75,000। मुझे बताओ ना सबसे पहले कोमल क्या लाए? सर कैपिटल। सर यहां क्यों नहीं लिखते? लो आपकी बात मान लेता हूं, यहां लिख देता हूं बस ₹75,000। और वो पैसा अभी तक कहां पड़ा है? सर कैश, कैश हो बैंक हो एक ही बात है बेटे, एक ही बात है। लो अगर अलग से दिया होगा तो हम कैश में गलत दिखा देंगे, नहीं दिया तो हम इकट्ठा ऐसे दिखा सकते हैं। आप सिर्फ कैश लिखो तब भी चलेगा, ये बैंक नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, लिख दोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। कैश हो गई पहली ट्रांजेक्शन। द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन नंबर 1 ऑन बैलेंस शीट, देखा आपने। आप सेकेंड देखते हैं, कोमल परचेज फर्नीचर फॉर ₹5,000। तो मुझे बताओ इस साइड
कैपिटल वाली साइड में यानी लायबिलिटी वाली साइड में क्या कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। अब कोमल ने क्या किया? कोमल परचेज फर्नीचर ऑफ रुपीज 5000। कोमल ने 5000 का फर्नीचर परचेज किया। क्या परचेज किया? फर्नीचर। तो फर्नीचर कितने का आ गया? 5000 का। क्या कैश अभी भी 75000 रहेगा? नहीं सर, नहीं। उसने 5000 का फर्नीचर लिया तो अब कैश कितना हो गया? 70000। कितने का कैश हो गया सर? 70000 सर, क्योंकि 5000 का फर्नीचर ले लिया। आप इतनी बार हमसे क्यों पूछते हो? हमें मालूम है, हम बहुत होशियार बच्चे हैं। अरे मैं आपको चेक करता हूं। आओ तीसरा देखें। कोमल परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20000। गुड्स परचेज करना तो एक्सपेंस होता है, आपको मालूम है, लेकिन यहाँ पे कोमल ने कैश में परचेज किए तो हम इसको स्टॉक मान के चल रहे हैं। मुझे बताओ इस तरफ लायबिलिटी साइड में कोई डिफरेंस आया? नहीं सर, नहीं। तो अभी कोमल के पास कैश है, फर्नीचर है और अब स्टॉक भी हो गया। फर्नीचर कितने का था सर? 5000 का। और कोमल ने गुड्स कितने के लिए सर? 20000। बोलो ना, अब कोमल के पास कितना कैश है सर? कोमल के पास अब 50000 कैश होगा। बोलो, दोनों साइड टैली कर रही है? हाँ सर, टैली कर रही है। हर एक में टैली कर रही है। 75 75 75 कर रही है ना? हाँ सर। आगे देखो ना, कोमल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 16000। अब देखो ना क्या हुआ। इधर देखो, क्या कैपिटल में कोई चेंज आया? नहीं सर, नहीं। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। तो लिख दो पूरा 75, लिख दो। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया तो कैपिटल का पूरा लिख दिया 75। कैश कोमल के पास कितना कैश है सर? 50000। फर्नीचर कितना है? फर्नीचर सर 5000। और स्टॉक कितने का हो गया? पहले 20000 के गुड्स हैं और कितने के ले लिए सर? 16000 के। तो स्टॉक कितने का हुआ सर? 36000। मुझे बताओ ये जो 16000 के गुड्स कोमल ने लिए, क्या इसके लिए कोमल ने कैश दिया? नहीं सर, नहीं। ये तो क्रेडिट में लिए, तो फिर क्या बढ़ गया सर? क्रेडिटर। क्या बढ़ गया? क्रेडिटर। कितने से? 16000। सुन रहे मेरी बात? सुन रहे मेरी बात आप? फिर बैलेंस शीट टैली कर रही है, 100% टैली करेगी। आप चाहो तो टोटल करके देख लो, मैं अभी तक की सारी बैलेंस शीट का टोटल आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, मैं सारी टोटल आपको करके दिखाता हूँ। इसका टोटल कितना आ रहा है लायबिलिटी साइड का सर? 75। असेट साइड का सर? 75। इसका टोटल कितना आ रहा है लायबिलिटी साइड का सर? 75। असेट साइड का सर? 75। बैलेंस शीट है ना, यही तो बैलेंस शीट में खासियत है। ये कितना है सर? 75। और ये कितना है सर? स्टिल 75। ये कितना है सर? ये हो गया 6 और 5 11 91000। और ये कितना है जरा देखे तो सर? ये भी आ रहा है 55000 प्लस 36000 91000। देख रहे हो आप, हर एक ट्रांजेक्शन के साथ बैलेंस शीट में हो रहे हैं चेंजेस और बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली क्या कर रही है? टैली कर रही है। आओ अब हम करते हैं फिफ्थ वन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहां बनाते हैं। कोई बात नहीं, बाद में रद्द कर दूंगा। आ जाओ फिफ्थ ट्रांजेक्शन करते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन ये हो गई। वक्त सर ये लाइन कैसे चली गई? कोई बात नहीं, अरे रात का टाइम है बेटे, इस टाइम हो रहा है 12:10। आ जाओ फटाफट जल्दी से, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट एज एट। और ये देखो, ये आपकी असेट साइड है, ये आपकी लायबिलिटी साइड है। यहां पे आपके पास क्या है सर? कैपिटल, बाहर नहीं लिख रहा हूं, अंदर लिख रहा हूं। और यहां पे क्या है सर? क्रेडिटर। यहां आपके पास क्या है सर? कैश था हमारे पास 50000।
सर हमारे पास फर्नीचर था 5,000 और हमारे पास स्टॉक था 36,000। यही उतार दी मैंने, यही मैंने सेल उतार दी, ये नंबर 5 है। अब देखो क्या हो रहा है, आओ देखें जरा। कोमल सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 इन रुपीज 15,000। 12,000 रुपए के कोमल ने गुड्स बेच दिए। देखो हर ट्रांजैक्शन के कम दो असर हो रहे थे, वन इज डेबिट अदर वन इज क्रेडिट। कम से कम दो असर हर ट्रांजैक्शन के हो रहे थे और दोनों असर आपने देखे। देयर वर डबल एस्पेक्ट, टू एस्पेक्ट्स। एवरी ट्रांजैक्शन हैज मिनिमम टू एस्पेक्ट्स। एक डेबिट और एक क्रेडिट हो रहा था, कुछ आ रहा था और कुछ जा रहा था। वो दोनों के दोनों जो असर थे, दोनों के दोनों जो इफेक्ट थे, वो यहां और यहां भी हो सकते थे, या सिर्फ यहां भी हो सकते थे, या सिर्फ यहां भी हो सकते थे। इफेक्ट हो रहे थे, हर एक ट्रांजेक्शन के मिनिमम टू इफेक्ट्स तो थे, लेकिन अब किस ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होंगे देखना। देखो आप, कोमल सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 12,000, कितने का 12,000। तो गुड्स में से कितना चला गया, गुड्स ये रहे, गुड्स कितने के थे सर 36,000, इसमें से 12,000 चला गया। गौर से मेरी बात नोट करना, गुड्स जो थे वो थे 36,000, इसमें से 12,000 चला गया। अब मुझे बताओ गुड्स कितने के रह गए, 34,000। सुनो मेरी बात, प्लीज मेरी बात सुनो। आपको नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं सर, नहीं, हम तो सो रहे हैं घर पे इस टाइम। ये तो आप जो क्लास बना रहे हो, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर नींद आ रही है तो आंखों पे पानी मारो और प्लीज दोबारा से बैठो और फिर दोबारा से इस वीडियो को सुनो। मैं आपको सभी ट्रांजैक्शंस के अलग अलग बैलेंस शीट पे इफेक्ट दिखाता जा रहा हूं और लास्ट में एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाएगी। देखो अभी क्या हुआ, कोमल ने गुड्स बेचे कितने के, 12,000 के। तो गुड्स में से 12,000 माइनस हो गया, क्योंकि यहां पे हमारे पास गुड्स कितने थे 36, अभी 12,000 माइनस हो गया, कितने के गुड्स बच गए 24,000 के। पर वो बेचे कितने के, गुड्स तो चले गए 12 के, जिसको बेचे उसको कितने के बेचे, क्या 12,000 के गुड्स 12 में बेच दिए, तो फिर कोमल को बिजनेस करना नहीं आता। नहीं सर नहीं, कोमल बहुत होशियार है, 12,000 के गुड्स कितने में बेचे 15,000। तो फिर कैश कितना आया, कितना पैसा आया कोमल के पास सर 15,000। तो देखो हमारे पास कैश कितना था सर 15,000, और कितना आ गया सर 15,000, तो अब कैश कितना हो गया सर 65,000। हमारे पास ऑलरेडी 50,000 था, ये देखो, अब कोमल ने 15,000 और ऐड कर दिया, 15,000 के गुड्स बिक गए, 15,000 गुड्स तो 12,000 के गए, लेकिन पैसा कितना आया 15,000। गुड्स कितने के गए स्टॉक में से 12,000 के, पैसा कितना आया सर 15,000। तो मुझे बताओ नुकसान हुआ या प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। 12,000 के गुड्स 15,000 में बेचे, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, अरे बोलो भाई, आपसे पूछ रहा हूं सर, मोबाइल से बाहर आके कैसे बोल सकते हैं, तो ऊंचा बोलो मुझे सुन जाएगा। प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ सर 3,000। कैसे कैसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हो सर, आप सटिया गए हो रात के टाइम, हमें तो इतना निकालना आता है, मालूम है हमें। 12,000 के गुड्स थे, 15 में बेचे, तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ सर। मुझे बताओ प्रॉफिट जो होता है वो किसमें ऐड होता है सर, कैपिटल में। प्रॉफिट किसका है सर, मालिक का। तो ये लो प्रॉफिट जो है वो कोमल का है, कोमल लेके जाएगी इस प्रॉफिट को, तो प्रॉफिट कितना हो गया 3,000। अब कोमल की कैपिटल कितनी हो गई 78,000। अब देखो क्या अभी भी ये दोनों साइड मिल रही हैं, आओ देखें, आओ जल्दी से देखें, 78,000 प्लस 16,000 ये हो गई 94,000। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना, अपनी मैडम के पीछे मत लग जाना। आपकी मैडम ने आज तक कोई सीए नहीं बनाया होगा, आपकी मैडम ने आज तक पूछा भी नहीं होगा किसी बच्चे से 12th क्लास के बाद क्या कर रहे हो बेटा, उन्हें परवाह नहीं होती। शी इज गेटिंग पेड फॉर इट, और उसने 12वीं क्लास करा के आपको बाहर लात मार देनी है, स्कूल से निकल जाओ बस, दोबारा मुंह मत दिखाना, दोबारा स्कूल में आना हो तो विजिटर पास पे साइन करने पड़ेंगे।
इसलिए मैडम 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 का नाम जपना बंद करो और बात को समझो, बिल्कुल ऐसे ही करना जैसे कर रहे हो। जो मैडमों से आप बहुत प्यार करते हो ना, उनसे और ज्यादा प्यार करो, उनकी और रिस्पेक्ट करो। मैं इस बात से मना नहीं करता कि मैडम को रिस्पेक्ट मत करो, लेकिन विश्वास मानना मैडम के पास बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें संभालना बहुत मुश्किल है। किसी भी ऐसे सेंटर में अगर आप पढ़ने जाओगे जहां बहुत सारे बच्चे हैं, तो आप देखना कि बहुत कम बच्चे होंगे जिन पे ध्यान दिया जाएगा। मैं तो आपके सर पे टच कर सकता हूं और बता सकता हूं ये पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। हमने पहला टेस्ट लिया ना, आपने देखा क्या हुआ पहले टेस्ट में? आप सबको मैंने रिपोर्ट भेजी है ना फर्स्ट टेस्ट की, चेक करके डिटेल में। तो इसीलिए मैं आपके साथ बहुत ज्यादा टच में हूं। मैं चाहता हूं कि जितने भी बच्चे मेरे पास हैं वो सारे 95+ में ही आए, इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। तो आप भी शॉर्टकट नहीं मारना, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, शॉर्टकट नहीं मारना। और देखिए क्या ये मिल रहा है सर, अगर नहीं मिला ना हम आपको आज गोली मार देने वाले। अरे ऐसे कैसे, ये तो मिलेगा, कितना? मिल गया सर, मिल गया। अभी एक ट्रांजेक्शन रह गई सर, आप क्यों इतना बोल रहे हो? देखो पेड रेंट 1000, आओ इसको भी देखते हैं, आ जाओ। अब मैं कहां बनाऊ, कहां बनाऊ मैं सर? ये हटा दो ना सर, आप ये हटा दो क्या? नहीं मैं हटाना नहीं चाहता यार, चलो यहां बना देता हूं। ये हो गई बैलेंस शीट नंबर 6। अगर आपको नहीं दिखे ना, दिखेगी भी नहीं, यहां तो नहीं दिखेगी, तो मैं ये हटा देता हूं, ये मैं हटा देता हूं यहां पर, ये वाली दो हटा दी मैंने, आ जाओ बैलेंस शीट नंबर 6। मैं बनाता हूं 6, ये देखो आप, ये बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, ठीक है। आ जाओ फटाफट बोलो ना, मेरे पास कैश कितना है? कैश सर 65,000। मेरे पास फर्नीचर कितना है सर? 5,000। मेरे पास स्टॉक कितने का पड़ा है सर? 24,000। मेरे पास कैपिटल कितनी है? कैपिटल सर अब कैपिटल 78,000 हो गई सर। ओके, मेरे पास क्रेडिटर्स कितने हैं? क्रेडिटर्स सर 16,000। यही है ना मेरी कंडीशन, हम यही खड़े थे ना। अब हमने क्या पे किया? रेंट, रेंट ऑफ 1000। मुझे बताओ रेंट हमने कैसे पे किया होगा? सर हमने रेंट के लिए उसे बुलाया होगा और उसे पत्थर दे दिए होंगे, सच्ची में? नहीं सर, नहीं मजाक कर रहे हैं। अरे हमने उसे पैसे दिए होंगे कैश, तो रेंट पे किया, तो बोलो क्या कर गया? 65,000 कैश था, 1,000 का रेंट पे किया, तो कितना हो गया सर? 64,000। कितना रह गया मेरे पास कैश? 64,000। और रेंट पे करना, रेंट एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस के पे करने से कैपिटल यानी प्रॉफिट पे असर पड़ता है, प्रॉफिट कम होता है, और प्रॉफिट का अल्टीमेट इंपैक्ट कहां पड़ता है? कैपिटल पे पड़ता है, क्योंकि प्रॉफिट कहां ऐड होता है? कैपिटल में ऐड होता है। तो ये देखो, इसका मतलब माइनस कर दिया मैंने रेंट यहां पे, कितना? 1000, ये रह गया 77,000। अब मुझे बताओ क्या ये बैलेंस शीट अभी भी मिल रही है? हाँ सर ये मिलेगी, ये आ गया 93,000 और ये भी आ गया सर 64+5, ये भी 93,000। लो फिर बैलेंस शीट तैयारी कर दी, ये बैलेंस शीट है, ये हमेशा टैली करेगी, ऑटोमेटिकली टैली करेगी, हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस शीट टैली करेगी। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन को इस तरीके से बनाया जाता तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए आपको इतनी ही मेहनत करनी पड़ती जितनी मैंने अभी की, लेकिन सीखने के लिए आपको ये बनानी है और एक बार ऐसे ही बनानी है जैसे मैंने अभी बनाई। शॉर्टकट नहीं मानना, सीधा किताब वाली बात में नहीं जाना। देखो ना मैंने एक एक बैलेंस शीट आपको हर एक इंपैक्ट के साथ बना के दिखाई, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, हमने 6 बैलेंस शीट बनाई और छठी बैलेंस शीट के बाद भी हमारी बैलेंस शीट आपस में टैली कर रही है।
हर इंपैक्ट के साथ मैंने एक अलग बैलेंस शीट बनाई, लेकिन फिर भी बैलेंस शीट टैली कर रही है। यहाँ भी बैलेंस शीट टैली कर रही है, यहाँ भी बैलेंस शीट टैली कर रही है, और आखिरी ट्रांजेक्शन के बाद भी बैलेंस शीट टैली कर रही है। ऐसे ही आपको बना बना के इस चीज को सीखना है बच्चों। देयर इज नो शॉर्टकट वे टू सक्सेस। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो शॉर्टकट नहीं मारो। आप शॉर्टकट मत सीखो, शॉर्टकट मत मारो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ते चले जाओ। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करते चले जाओ। मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ कि आप 95+ मार्क्स लेके जाओगे अकाउंट्स के अंदर, प्लस वन के अंदर भी, और 12th क्लास के बाद, इवन 12th क्लास में भी आप जो है 95+ में चले जाओगे। इस बार जो 12th का बैच मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें इतने अच्छे बच्चे हैं पढ़ने वाले। अभी जो 12th क्लास का मैंने टेस्ट लिया था उसमें 5 बच्चे ऐसे जो 35 से 35 मार्क्स लेके आए फर्स्ट चैप्टर के टेस्ट में। बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब मेरा टारगेट है कि हम 100 मार्क्स को टच करें प्लस टू के अंदर, जो कि अभी तक हम नहीं कर पाए। हम हाईएस्ट मार्क्स जो अभी तक ले पाए वो 97 है। तो मैं टच करना चाहता हूं 100 का टारगेट। इकोनॉमिक्स में हम 98 लाए हैं प्लस टू में, लेकिन अभी तक हम अकाउंट्स में 97 से ऊपर हमारा बच्चा नहीं लाया। हमें कोशिश करनी है कि हम इस पर 100 को टच करें। और एक नहीं है, 4 बच्चे हैं जो 95 से ऊपर थे। ऐसा नहीं कि एक आधा बच्चा आ गया। और मैं ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाता, आप जानते हो। मैं घटिया बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ाता, मुझे घटिया बच्चे चाहिए नहीं। मुझे कौन से बच्चे चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके मम्मी डैडी के पास बहुत पैसा है और जो मस्ती करने के लिए घर से बाहर निकले हैं, उनके लिए बहुत सारे ट्यूशन सेंटर खुले पड़े हैं, भरे पड़े हैं। हर गली मोहल्ले में, कूचे में, गली हर मोड़ पे ट्यूशन सेंटर है। दे आर वेलकम दैट साइड, वो उधर उनका वेलकम है। इधर तो वही बच्चे चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, और आप में से कुछ बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे। आई मेरी बात समझ? तो इतना बड़ा काम, इतनी सारी बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी सर। अगर यहाँ 20 ट्रांजेक्शन होती तो 20 बैलेंस शीट बनती नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसे, इन सभी बैलेंस शीट को अब हम एक शीट में बना देंगे, जिसे हम कहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। आओ देखें कैसे करेंगे। आ जाओ फटाफट से, आप ये नोट कर लो, पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आपके लिए वो शीट बना देता हूं। चलो मैं अब आपको सिखाता हूं कि आपने पेपर में कैसे काम करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन पेपर में कैसे बनेगी? 6 बैलेंस शीट नहीं बनानी पड़ेगी। 6 बैलेंस शीट तो आपके सीखने के लिए है, और आप कसम खाओ कि आप उन्हें एक बार बना के देखोगे और ऐसे ही करके देखोगे। पहले 5-7 क्वेश्चन ऐसे करके देखना, कोई बात नहीं, टाइम लगता है, लगने दो। बच्चे कहेंगे कि आप मूर्ख हो, ये क्या कर रहे हो यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? अरे आप करो ना टाइम वेस्ट, सीख रहे हो आप, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो आप ऐसा करके देखना, मैडम को मत दिखाना, लेकिन आप अपने घर की कॉपी में ऐसा करके देखना, बच्चों को भी मत बताना, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे ना वो तो समझेंगे, जो नहीं पढ़ने वाले होंगे ना। आजकल जो बच्चे कुछ पढ़ने वाले भी है जो रट्टा वेकेशन करके काम चला देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। हमने तो एक एक इंपैक्ट बैलेंस शीट में देख दिया। अब यहाँ काम कैसे होगा, आ जाओ देखें। सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर 1। पहली ट्रांजेक्शन क्या है? कोमल स्टार्टेड बिजनेस। तो मैं छोटे में लिख रहा हूं, क्या है? स्टार्टेड बिजनेस। तो सबसे पहले क्या आया था? कैश। तो कैश एक असेट्स है, मैंने यहां पे इसका कॉलम खोल दिया। कितना कैश आया सर? 75,000। कितना कैश आया सर? 75,000। और यहां से ये पैसा कहां गया? कैपिटल आई थी 75,000 सर, और यहां कैश आया। आपने यही तो किया था? हाँ सर, यही किया था। इसे क्लोज कर दो, इसे क्लोज कर दो। क्लोज, पहली इक्वेशन क्लोज हो गई। लो कितना आया हमारे पास सर? 75,000 यहां बैलेंस बचा है, हम बैलेंसिंग कर रहे हैं। और यहां भी कितना है सर? 75,000। आ जाओ आगे देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये ट्रांजेक्शन नंबर 2 है, आप चाहो तो यहां लिख सकते हो। ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या है? परचेज फर्नीचर। तो मैं यहां छोटा सा लिख देता हूं परचेज। आपकी कॉपी में तो बहुत जगह होगी, तो आप कर सकते हो परचेज फर्नीचर। बोलो, जब फर्नीचर लिया था तो कैपिटल सेट में कोई असर हुआ था? नहीं सर, नहीं। यहां से माइनस हो गया था 5,000, और यहां एक नया कॉलम खुल गया सर फर्नीचर।
जो कि एक असेट्स है, कितने का 5000। बस यही तो इम्पैक्ट पड़ा, वहां तो कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, तो आओ इसे क्लोज कर दो, इसे क्लोज करो, ये रह गया 70000, ये हो गया 5000, और यहां अभी कितना है, यहां कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो 75000। ये असेट साइड है, वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है, दोनों अभी तक आपस में मिल रही हैं, दो ट्रांजैक्शन हो चुकी है। आ जाओ फटाफट जल्दी से, आ जाओ ट्रांजैक्शन नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, और कितना 20000। तो आपको मालूम है कैश में परचेज किया तो कैश कम हो गया, हाँ सर, और गुड्स नई चीज ऐड हो गई जिसे हम स्टॉक कह रहे हैं जो नहीं बिका, कितने का सर 20000, सॉरी कितना सर 20000। लो इसे भी क्लोज कर दो, इस साइड पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, कैपिटल पे अभी तक कोई इंपैक्ट नहीं आया, तो हमारे पास कितना कैश बचा सर 50000, कितना कैश बच गया सर 50000। फर्नीचर में कोई चेंज आया नहीं सर, नहीं उतने का उतना ही है 5000, ये कितने का हो गया सर 20000, 50 प्लस 5 55 55 प्लस 20 75, वो कितना है सर सेम, यहां कोई चेंज नहीं आया, लो अभी भी मिल रहा है। अब आगे चलें, ट्रांजेक्शन नंबर 4, कोमल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹16000। अब क्या है जी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, बोलो कैश को कैसे आएगा, नहीं सर नहीं असर आएगा, सर नहीं असर आएगा, तो कहां असर आएगा, फर्नीचर पे असर आएगा, नहीं सर क्या बात कर रहे हो, गुड्स में ऐड हो जाएगा, कितना सर गुड्स में 16000 ऐड हो जाएगा, गुड्स में 16000 ऐड हो जाएगा, गुड्स कितने के हो जाएंगे 36000, फर्नीचर तो उतने का उतना ही है, कैश भी उतने का उतना ही है, कोई चेंज नहीं आया, तो सर बाकी दूसरा चेंज कहां आएगा, क्योंकि मिनिमम दो इफेक्ट आते हैं, तो दूसरा चेंज कहां आएगा, दूसरा चेंज आएगा आपका एक लायबिलिटी खुल जाएगी जिसका नाम होगा क्रेडिटर, कितने का सर क्रेडिटर हो जाएगा 16000, बोलो ना क्या यहां पे कोई चेंज आया, नहीं सर बस यहां पे इतना ही चेंज आएगा, और ये नया ऐड हो गया 16000 और ये हो गया 75000, लो बात खत्म हो गई, ये भी बात खत्म हो गई। आओ आगे चलते हैं, आओ आगे चलें, ठीक है जी, लो आगे चले आ जाओ। तो ये हो गए हमारी 4th ट्रांजेक्शन पूरी, अब बारी आई 5th ट्रांजेक्शन की, वो क्या था, कोमल सोल्ड गुड्स फॉर ₹12000। अब यहां जरा गौर से करने वाली बात है, सोल्ड गुड्स, कोमल ने गुड्स बेचे कितने के 12000, सबसे पहले तो गुड्स में से 12000 के माइनस हो गए, एक एक इंपैक्ट पकड़ना धीरे धीरे, और कितने में बेचे सर 15000 में, तो फिर कैश में 15000 प्लस हो गया, कैश हो गया 65000। फर्नीचर को असर पड़ा नहीं, फर्नीचर तो उतने का उतना ही है, गुड्स में कितने का हो गया सर, गुड्स हो गए 24000 के, क्या उस तरफ कुछ असर पड़ा, आओ देखते हैं फटाफट जल्दी से जाए और देखें, क्या इसका क्रेडिटर में कोई असर पड़ा, नहीं सर क्रेडिटर तो उतने के उतने ही है ना, तो फिर और कहां असर पड़ा सर, कैपिटल में एड हो गया 3000, क्योंकि प्रॉफिट हुआ ना सर, 12000 के गुड्स को 15 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कहां ऐड कर दिया सर, यहां हमने कैपिटल में ऐड कर दिया, फिफ्थ ट्रांजेक्शन भी हो गई, हमें नहीं मालूम बैलेंस शीट टैली कर रही है नहीं कर रही, हम तो बाद में इक्वेशन को देखेंगे, आप यहां चेक कर सकते हो 65 प्लस 5 70 प्लस 24 94000, और ये 76 प्लस 18 94000 टैली कर रही है। आ जाओ आगे चलें, ट्रांजेक्शन नंबर 6, पेड रेंट। अब रेंट पे किया तो कैश पे किया होगा, तो ये हो गया 64000, 1000 से कैश हट गया, यहां
कोई असर आया? नहीं सर। यहाँ कोई असर आया? नहीं सर। फिर कहाँ असर गया होगा? यहाँ कोई असर आया? नहीं सर। यहाँ हाँ सर, 1000 लेस हो गया, क्योंकि हमने जब एक्सपेंस पे किया तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट पे असर आ गया, 77,000 हो गया। अब मेरी बात सुनो, आप मेरी बात गौर से सुनो, आप मेरी बात प्लीज गौर से सुनो। ये है आपकी असेट्स, ये तीनों आपके क्या है? असेट्स। और ये दोनों आपके क्या है सर? लायबिलिटी प्लस कैपिटल। और इक्वेशन बोलती है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी प्लस कैपिटल। असेट्स कितने के हैं आओ देख लेते हैं। 64,000 प्लस 5,000 प्लस 24,000, कितने के असेट्स हैं? कितने के? 64 प्लस 5 प्लस 24, आओ देखें कितना हो गया। ये हो गया 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 4 13 और ये हो गया 93,000। लायबिलिटीज कितने की हैं सर? लायबिलिटीज हैं 16,000 और कैपिटल कितने की रहेगी सर? 77,000। और इन दोनों का टोटल कितना आ गया? इन दोनों का टोटल सर 93,000। तो असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी की इक्वेशन बिल्कुल सही बन गई। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। इंस्टेड ऑफ मेकिंग द सिक्स बैलेंस शीट लाइक दिस, यू हैव मेड वन इक्वेशन, यू हैव मेड वन पेपर, वन शीट विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। और हाँ, इस शीट की हेडिंग क्या होगी? इसकी हेडिंग होगी अकाउंटिंग इक्वेशन। ये इसकी हेडिंग है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये वाले कॉलम को मिस कर सकते हो, उस कॉलम को भी मिस कर सकते हो। सिर्फ फटाफट ये करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बुक की तरह आप वो तोते मत बन जाओ यार। यहाँ जब जब जगह जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाए वैसे वैसे कॉलम डालते जाओ, पहले से सारे कॉलम खींच के मत बैठ जाओ। सर मैडम ने कहा पहले 10 कॉलम बना लो, 2 कॉलम इस तरफ। अरे ऐसा नहीं करना बाबा, जैसे जैसे आते जाएंगे ट्रांजेक्शन वैसे वैसे कॉलम ऐड कर देंगे, बीच में गैप बचा तो प्रॉब्लम नहीं है। ये असेट साइड है, ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है, पता लग रहा है। जब हम बैलेंस शीट ऐसे बनाते हैं तो ये असेट साइड होती है, वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड होती है। यहाँ पे जब हम बना रहे हैं तो ये पहले असेट साइड है और ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है, तो ये भी बैलेंस शीट ही। दिस इज बैलेंस शीट। पर वो 6 बैलेंस शीट ना बना के हमने 6 को एक ही इक्वेशन में डाल दिया। अब आपको होमवर्क करना है, अब आपको थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस को करना है, इस क्वेश्चन को करना। मैं आगे आपको और इसके 3-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगली क्लास में करवाऊंगा, आप खुद ट्राई कर सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। और बहुत होशियार बच्चे मुझे उसका प्लीज होमवर्क करके भेजें। आपका होमवर्क है सर, आप होमवर्क दे रहे हो सर, होमवर्क। यस, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ये आपका होमवर्क है और आपको करना है, ठीक है जी। चलो बच्चों कल मिलेंगे, प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहो अकाउंटिंग इक्वेशन की, इसे नोट कर लो और कल मिलते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।